दिल्ली से लेकर मुंबई तक आज आग के तांडव की तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर आपके सामने मुंबई के कफ परेड इलाके की है, जहां मेकर टावर में आज भयानक आग लग गई। हादसे में दो लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 6:30 बजे टावर की 20वीं मंजिल पर आग लग गई। इस बहुमंजिला इमारत में बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के MD शेखर बजाज भी रहते हैं और आग उन्हीं के घर में लगी। बताया जा रहा है कि हादसे में बजाज परिवार के सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन परिवार के दो नौकरों की दम घुटने से मौत हो गई है। वे मौके पर पहुंची दमकल की करीब 8 गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद अब आग पर काबू पा लिया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं दिल्ली के रोशनारा मार्ग पर भी एक आटा मिल में भीषण आग लग गई और घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की 30 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। तो दिल्ली और मुंबई से आज आग की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मुंबई की आग ने दो जिंदगियों को मौत की नींद सुला दिया। देखते रहिए TV Live।